हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज के मैं आपको ए टू रॉयल पास के या फिर साइकिल 5 सीजन 13 के सीजन चैलेंज के सारे मिशंस डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा और इजी टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आपके मिशन जल्द से जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे। अगर आपने वीक 1, वीक 2, वीक 3 के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप आई बटन पर या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो की लिंक्स दे दूंगा। तो फिर देखते हैं कि सीजन चैलेंज का फर्स्ट मिशन कौन सा है। तो फर्स्ट मिशन 100 आरपी पॉइंट्स के लिए एलिमिनेट ओवर 6 प्लेयर्स इन अ सिंगल मैच इन क्लासिक मोड और बैटल रॉयल ड्रैगन बॉल सुपर। तो दोस्तों, आपको टोटल 6 प्लेयर या फिर उससे ज़्यादा प्लेयर्स मारने हैं क्लासिक मोड के अंदर। तो आप रैंक के अंदर भी कौन से भी मैप के अंदर खेल सकते हो या फिर अनरैंक में ये बैटल रॉयल मोड के अंदर भी 6 एनिमीज या उससे ज़्यादा मारोगे या फिर क्लासिक मोड में तो भी आपका ये मिशन कंप्लीट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट मिशन है 100 आरपी पॉइंट्स के लिए डील अ टोटल ऑफ 1000 डैमेज विथ हेडशॉट इन क्लासिक मोड। तो दोस्तों, आपको क्लासिक मोड के अंदर आप देख सकते हो रैंक में या फिर अनरैंक में ये क्लासिक मोड के अंदर आपको एनिमीज को हेडशॉट से मारना है। तो आप देख सकते हो ये एनिमी है, इसके हेडशॉट पे से आपको मारते रहना है। जब 1000 का डैमेज हो जाएगा हेडशॉट का फिर आपका ये मिशन कंप्लीट हो जाएगा। फिर थर्ड मिशन है 100 आरपी पॉइंट्स के लिए क्लाइंब ओवर ऑब्स्टेकल्स 50 टाइम्स इन क्लासिक मोड। तो ये मिशन को कंप्लीट करने के लिए आपको क्लासिक मोड में खेलना है, रैंक हो या अनरैंक। तो मैं कहूँगा यार अनरैंक के अंदर ही खेलते जाओ जिससे आपका एक मैच में ही एक मिशन कंप्लीट होते जाएगा। तो आप दोस्तों क्या करो, लिविक लगाओ, इरेंगल लगाओ, आपकी मर्जी। तो मैं आपको दिखा दूँ लिविक कैसे लगा दो। फिर दोस्तों जैसे मैच स्टार्ट हो जाए कहाँ भी आप उतर जाओ तो दोस्तों आप देख सकते हो ऐसे एक दीवार दिखाई देगी, तो ये ऑब्स्टेकल है। तो आपको बस इसको क्लाइंब करना है, उसके साइड जाना है, फिर से क्लाइंब करना है, ये साइड आना है। तो ऐसे आप कंटिन्यूस 50 बार करो तो भी आपका ये मिशन कंप्लीट हो जाएगा, या फिर विंडो से भी आप ये कर सकते हो, आपका ये इजीली मिशन कंप्लीट हो जाएगा एक ही मैच के अंदर। फिर नेक्स्ट मिशन है 100 आरपी पॉइंट्स के लिए कलेक्ट 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेपन इन अ सिंगल क्लासिक मैच। तो दोस्तों एक ही सिंगल क्लासिक मैच में आपको 5 टाइप के वेपन्स को कलेक्ट करना है। तो सबसे पहले आप जान लो कि वेपन्स के टाइप्स क्या होते हैं। तो आप देख लो एआर होता है पहले, तो एआर में ये आता है, मतलब आपको एक मैच में सबसे पहले आप ये एकेएम या फिर M416 या एआर में से कौन सी भी एक उठाओ गन, फिर ये उसके बाद ये छोड़ दो, फिर उसके बाद स्नाइपर राइफल उठाओ जो कि आप देख सकते हो कार 98, M24, तो एक ऐसे एक उठाओ। फिर उसी मैच के अंदर फिर ये DMR उठाओ, Mini-14, VSS, SKS आप देख सकते हो ये उठाओ। फिर उसी मैच के अंदर SMG में से एक उठाओ, UZ, UMP-45 Vectris में से कौन सी भी एक उठाओ, और उसी मैच में एक शॉटगन में से उठाओ। जैसे आप ये 5 या फिर आप दोस्तों मेले वेपन या फिर पिस्टल भी उठा सकते हो एक ही मैच में। जैसे आप 5 उठा लोगे एक ही मैच में क्लासिक मोड में, कहा है उन्होंने, तो रैंक के अंदर भी कर सकते हो या अनरैंक। तो मैं कहूँगा अनरैंक लगाओ और ये मिशन को कंप्लीट करो, या फिर उसके ऊपर मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाई है तो आपको आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो की लिंक दे दूंगा, वैसे भी आप वहाँ से कर सकते हो देखकर। फिर नेक्स्ट मिशन है 100 आरपी पॉइंट्स के लिए फॉलो टीममेट्स व्हेन जंपिंग 5 टाइम्स इन क्लासिक मोड। तो दोस्तों आपको क्लासिक मोड के अंदर खेलना है, रैंक के अंदर या फिर अनरैंक के अंदर। और दोस्तों आपको क्या करना है, ऑटो मैचिंग ऑन रखनी है क्योंकि दोस्तों आपके टीममेट्स की ज़रूरत लगेगी, टीममेट्स को फॉलो करना है। तो आप क्या करो दोस्तों, इसे मैच को लगा दो। आप देख सकते हो मैंने लिविक मैच के अंदर मैं आपको खेल के दिखाता हूँ अनरैंक में। तो फिर जैसे ही मैच स्टार्ट हो जाए तो आप क्या करो, जो भी आपका टीममेट होगा, तो मेरा ऑलरेडी फॉलो है यहाँ, तो आपको अनफॉलो करके फिर से उसे फॉलो करना है। मतलब कौन से भी टीममेट को आप फॉलो करो, फिर आप वेट करो जब तक कि वो आपको नीचे लैंड ना करा दे। तो आप अनफॉलो मत करना गाइज, वो आपको खुद लैंड कराएगा जब आप नीचे आ जाओगे ज़मीन पर, फिर आपके मिशन के अंदर काउंट होगा। तो सेम ऐसे ही आपको करना है। तो टोटल उन्होंने कितने मैच के अंदर कहा है, तो आप देख सकते हो उन्होंने 5 बार कहा है, तो मतलब 5 बार आपको ऐसे करना पड़ेगा 5 मैचेस में। फिर नेक्स्ट मिशन है 100 आरपी पॉइंट्स के लिए एलिमिनेट 10 प्लेयर्स वाइल स्प्रिंटिंग इन क्लासिक मोड और बैटल रॉयल ड्रैगन बॉल सुपर। तो दोस्तों आपको टोटल 10 एनिमीज मारने हैं क्लासिक मोड में। तो आप रैंक के अंदर भी कर सकते हो या फिर उन्होंने कहा है अनरैंक में ये नए वाले मोड के अंदर भी कर सकते हो। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, स्प्रिंटिंग का मतलब आपको जिगल देके एनिमी को मारना है, मतलब एक जगह पर रुककर एनिमी को नहीं मारना है, जिगल देके आप देख सकते हो ऐसे एनिमी को पूरा फिनिश करना है। टोटल 10 बार करेंगे मतलब 10 एनिमीज को, तो फिर आपका ये मिशन कंप्लीट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट मिशन है 100 आरपी पॉइंट्स के लिए कंप्लीट 8 मैचेस विद फ्रेंड्स इन एनी मोड। तो आपके इन गेम के दोस्तों के साथ 8 मैचेस खेलने हैं, रैंक अनरैंक या कौन से भी मोड अरिना में भी आप कंप्लीट कर सकते हो। जैसे ही कंप्लीट करोगे ये भी आपका मिशन हो जाएगा।
फिर नेक्स्ट मिशन है 100 आरपी पॉइंट्स के लिए, एलिमिनेट टोटल ऑफ 50 प्लेयर्स इन क्लासिक मोड और बैटल रॉयल ड्रैगन बॉल सुपर, तो 50 एनिमीज मारने हैं, तो आप खेलते रहो, जैसे जैसे एनिमीज मारते रहोगे आपका ये हो जाएगा, तो रैंक के अंदर भी कर सकते हो उन्हें का या फिर इस मोड के अंदर, तो ये ईजी है, रैंक के अंदर ही करो, एनिमीज को मारो, बॉट्स को मारो, ऐड हो जाएगा। फिर नेक्स्ट मिशन है 100 आरपी पॉइंट्स के लिए, सर्वाइव फॉर अ टोटल ऑफ 200 मिनट्स इन क्लासिक मोड और बैटल रॉयल, तो वही आपको सर्वाइव करना है, ये नए वाले मोड के अंदर खेलो या इसके अंदर खेलो, जैसे जैसे मिनट्स ऐड होंगे 200 मिनट्स हो जाएंगे तो आपका ये मिशन कंप्लीट हो जाएगा। और फिर बाद में उन्होंने क्या कहा है, बाद में कहा है 100 आरपी पॉइंट्स ब्रेक 5 विंडोज इन क्लासिक मोड, तो क्लासिक मोड के अंदर आपको खेलना है, रैंक हो या अनरैंक, तो मैं कहूँगा आप अनरैंक लगाओ या फिर जैसे भी रेगुलर मैचेस हो क्लासिक मोड के अंदर खेलो। तो मैं आपको दिखा देता हूँ इरेंगल मैप के अंदर, तो आपको दोस्तों ऐसे विंडोज़ मिलेंगे, आपको पता ही होंगे हाउसेस के, तो ये बस आपको ब्रेक करने हैं, हाथ से फोड़ो या गन से फोड़ो, जैसे आप फोड़ोगे फिर आपका ये मिशन के अंदर काउंट होगा और ये मिशन आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट मिशन है 100 आरपी पॉइंट्स के लिए, कंप्लीट 10 मैचेस इन एनी मोड फ्रॉम फ्राइडे टू संडे, तो दोस्तों आपको फ्राइडे सैटरडे संडे इन 3 दिनों में 10 मैचेस खेलने हैं कौन से भी मोड के अंदर, मतलब कंप्लीट करने हैं, तो आपका इजीली हो जाएगा, फ्राइडे को बस गेम ओपन करो, ये कौन से भी खेलो रैंक या अनरैंक के अंदर क्लासिक मैचेस, फिर आपका ये मिशन कंप्लीट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट मिशन है 150 आरपी पॉइंट्स के लिए, जंप एंड लैंड ऑन अ रूफ इन इरेंगल और लिविक 10 टाइम्स, तो दोस्तों इसका मतलब ये है आपको इरेंगल या फिर लिविक मैप के अंदर खेलना है, रैंक हो या अनरैंक के अंदर भी कर सकते हो, तो मैं कहूँगा अनरैंक लगाओ, लिविक लगाओ। और दोस्तों जब आपका प्लेन पाथ जा रहा होगा अभी, तो आप कौन से भी छत पर उतर जाओ, और फिर दोस्तों आप देख सकते हो हम मैं जा रहा हूँ और यहीं से उतर जाओ और फिर एक बार जंप लगा दो, तो भी आपका ये मिशन काउंट हो जाएगा। तो टोटल इन्होंने शायद 10 बार कहा है, तो मैं आपको बता भी दूँ, तो टोटल 10 बार ऐसे करना हो। फिर मिशन है नेक्स्ट 150 आरपी पॉइंट्स के लिए, ऐड 7 फ्रेंड्स, तो 7 नए दोस्त ऐड करने हैं, तो आप देख लो फ्रेंड रिक्वेस्ट आए हैं तो उन्हें एक्सेप्ट करो, या फिर ऐसे जो भी होंगे आप नए दोस्त के फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड कर दो, जैसे 7 ऐड हो जाएंगे नए वाले आपके फ्रेंड लिस्ट में, तो फिर आपका ये मिशन कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट मिशन है 150 आरपी पॉइंट्स के लिए, गिव 24 लाइक्स टू टीममेट्स, तो दोस्तों आपको लाइक देना है अपने टीममेट्स को, तो जैसे ही मैच खत्म हो जाती है रैंक या अनरैंक मोड के अंदर, तो फिर लास्ट में दोस्तों आपको लाइक का ऑप्शन मिलता है, तो लाइक दोगे तो कंप्लीट हो जाएगा। तो इसकी जो ट्रिक ये रहेगी, आप दोस्तों अनरैंक लगाओ, अरिना लगाओ, और यह 8v8 टीम डेथ मैच होगी, देखो सेंटोरिनी इसके अंदर खेलो, लास्ट में दोस्तों अपने टीममेट्स को लाइक दो और सामने वाले को लाइक दो, तो 2 मैच में ही ये मिशन आपका कंप्लीट हो जाएगा, या फिर इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई है, आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो मिल जाएगी। फिर नेक्स्ट मिशन है रीच प्लेटिनम और अबव इन क्लासिक मोड, तो आपका ये हो ही गया होगा अगर पिछले सीजन आपने रैंक पुश की होगी तो या फिर नहीं तो आप रैंक पुश करो। नेक्स्ट मिशन है 150 आरपी पॉइंट्स के लिए, लॉग इन टू द गेम ऑन अ टोटल ऑफ 20 डेज, तो दोस्तों आप 20 दिन लॉग इन करोगे गेम को तो कंप्लीट हो जाएगा। आप देख सकते हो मेरा आज का हो गया है, कल करूँगा तो सेकेंड, तो टोटल 2 मंथ का सीजन है, तो ये हो ही जाएगा आपका। फिर नेक्स्ट मिशन है 200 आरपी पॉइंट्स के लिए, यूज़ 5 ड्रैगन बॉल कैरेक्टर एंड प्ले अ मैच विथ ईच ऑफ देम इन बैटल रॉयल ड्रैगन बॉल सुपर, तो ये दोस्तों नए मोड से रिलेटेड है, इसके लिए आपको अनरैंक के अंदर ये नए मोड के अंदर खेलना है। तो जैसे ही मैच स्टार्ट हो जाए तो स्टार्टिंग में आपको सिलेक्ट कैरेक्टर का ऑप्शन मिलेगा, तो टोटल 5 कैरेक्टर है, तो हर एक कैरेक्टर को लेकर एक मैच आपको दोस्तों खेलनी है, तो टोटल 5 मैचेस के अंदर आपका ये मिशन कंप्लीट हो जाएगा। तो आप बस इसे कैरेक्टर लो, एक मैच खेलो, फिर सेकंड कैरेक्टर लो, फिर सेकंड मैच खेलो, थर्ड कैरेक्टर लो, वैसे टोटल 5 कैरेक्टर लेके मैचेस खेलो। फिर नेक्स्ट मिशन है 200 आरपी पॉइंट्स के लिए, गिफ्ट और गिफ्ट बैग बीपी टू 10 डिफरेंट फ्रेंड्स, तो आपके इन गेम के दोस्तों को बीपी सेंड करनी है, तो आप ऐसे यहाँ क्लिक करके आप देख सकते हो ये ऑप्शन दिखाई देगा, तो ये फर्स्ट ऑप्शन पर आपको इसे क्लिक करना है, जैसे आप क्लिक करोगे तो उसको बीपी सेंड हो जाएगी और आपके मिशन के अंदर काउंट होगा। तो टोटल आपको 10 डिफरेंट दोस्तों को वैसे ही करो। फिर नेक्स्ट मिशन है 200 आरपी पॉइंट्स के, स्विम 3000 मीटर इन क्लासिक मोड, तो दोस्तों आपको क्लासिक मोड के अंदर खेलना है, रैंक या अनरैंक आप कौन से भी इसमें खेलो, बस पानी में आपको दोस्तों स्विम करना है 3000 मीटर, तो 3000 मीटर जब हो जाएंगे फिर ये भी मिशन कंप्लीट हो जाए। फिर नेक्स्ट मिशन है 200 आरपी पॉइंट्स के लिए, इक्विप 2 फायर आर्म्स विद फुल अटैचमेंट्स एट द सेम टाइम इन 8 क्लासिक मोड मैचेस, तो ये मिशन काफ़ी ईजी है गाइज,
इसके लिए आपको क्या करना है, क्लासिक मोड के अंदर खेलना है, रैंक या अनरैंक में कहूँगा अनरैंक लगाओ, क्लासिक लगाओ, लिविक मैप लगाओ और फिर कहाँ भी उतर जाओ। और आप क्या करो, 2 DP28 ढूंढो, नहीं मिले तो फिर ज़्यादा कॉइन्स उठाओ उससे, मशीन से आप देख सकते हो ये मशीन होता है शॉप, तो इससे DP28 बाय करो। या और फिर दोस्तों आपको इसको अटैचमेंट्स भी लगाने हैं, तो अटैचमेंट्स इसके होते हैं स्कोप और एक गन शील्ड होती है, ये भी आपको इसी शॉप से मिल जाएगी। तो ये दो जब आप लगाओगे और ये अटैचमेंट्स और स्कोप लगाओगे तो फिर आपका मिशन कंप्लीट हो जाएगा। या फिर मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी डिटेल में वीडियो बनाई है, तो आपको आई बटन पर या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो की लिंक दे दूंगा, वहाँ से देखो कैसे कंप्लीट करना है, आपका इजीली ये कंप्लीट हो जाएगा। और फिर अभी ये मिशन रहे स्पेंड टोटल मिनट्स वाले, तो मतलब आपको पता ही होंगे जैसे जैसे आप खेलते रहोगे वैसे वैसे ऐड होगा, तो यही सारे मिशन से 2160 जब हो जाएंगे तो ये सारे मिशन कंप्लीट हो जाएंगे। तो गाइज ये थे टोटल 30 मिशन जो मैंने आपको इजीली समझा दिए है, तो इसके लिए एक वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके रखे इसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज देखने के लिए। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।